अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने बेटे के स्कूल की वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले और ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे। मेरे बच्चे की स्कूल की वीडियो बनाने का मकसद ये था जो मैंने आपसे बताया था, जो मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन दूँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मेरे बेटे का स्कूल है, किंडरगार्टन से वो 1 to 10 जो कॉलेज लेवल तक की क्लासेस होती है वहाँ पे उस स्कूल का उसका एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे सारे स्कूल जो हैं वो सब एक ही सेम लेवल के हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई लोअर कैटेगरी, मिडिल क्लास या हाई क्लास का जो बच्चा है वो अलग अलग स्कूल में जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर बच्चा सेम होता है और यहाँ पे इतने बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं होता। ये सारे आपको स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इनके पास एक छोटा सा बैग होता है, इस बैग में लैपटॉप है। जो बड़े बच्चे होते हैं जो 6 to 7 लेवल में आते हैं उनको लैपटॉप दिया जाता है और जो बुक्स होती हैं वो इनके लॉकअप्स होते हैं, यहाँ पे बैग सब वगैरह जो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इनमें इनके क्लोथ्स होते हैं, स्लीपर्स होती हैं, उनको बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराया जाता है स्कूल में, उनको इतना परेशान नहीं किया जाता ताकि वो घर में ही रहें, घर जैसा ही माहौल रखें। और बच्चे जो हैं ज़्यादा कंफर्टेबल स्कूल में होते हैं, वो स्कूल से ज़्यादा घर जाने के लिए दिल उनका नहीं चाहता। जैसे अभी मैं अपने बेटे को लेने जाऊँगी तो उसका यहाँ पर घर से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं रहता, क्योंकि 1:30 पर यहाँ पर स्कूल ऑफ हो जाता है, उसके बाद जो है फ्री टाइम शुरू हो जाता है। हाँ, फ्री टाइम की जो है चार्जेस होते हैं, कुछ पेरेंट्स देना चाहते हैं और कुछ पेरेंट्स नहीं देना चाहते, क्योंकि जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो वो यहाँ पे अपने बच्चों को रखते हैं। तो जैसे बच्चे यहाँ इंजॉय करते हैं, अलग अलग तरह से म्यूज़िक चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या हर बच्चे की अपनी अपनी सहूलत होती है स्कूल में, जिस तरह वो इंजॉय करें। और फिर अपने पेरेंट्स अपने हिसाब से, अपने जो रिलीजियस में होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी उसमें पढ़ाते हैं। अब जैसे हर स्कूल में एक टीचर अलग होती है, जो आपकी मदर टंग लैंग्वेज होती है उसकी टीचर अलग होती है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपकी लैंग्वेज को ये भूल दें। यहाँ पे टीचर्स की अलग अलग एक ज़रूरी हर स्कूल में रखा जाता है, जो बच्चा जिस कंट्री से बिलोंग रखता है। अब ये बिल्कुल बॉक्सेस बनाए हुए मैंने आपको बताया था ना, इसमें हर बच्चे की अपनी एक चीज़ रखी हुई है। इसमें एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं, उनकी स्लीपर्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, जो पेपर वर्क होता है वो यहाँ रख दिया जाता है, टीचर यहाँ रख देते हैं और पेरेंट्स आके ले जाते हैं। ये क्लासेस हैं, इस तरह बच्चे स्टूल्स वगैरह खुद ऊपर रखे जाते हैं। ये टॉयलेट्स हैं, यानी बाथरूम है बच्चों के लिए, और ये भी लॉक है। यहाँ पे वेटिंग एरिया है, बच्चे बैठे हैं या पेरेंट्स जो आते हैं वो हैं। ये टीचर के लॉकअप कैबिनेट्स हैं। अभी कॉरिडोर है बहुत बड़ा, यहाँ पे बच्चों को लंच भी कराया जाता है, जो एक हलाल होता है उनके लिए, हलाल वेजिटेरियन होता है या फिश वगैरह, ये सब आपकी इसमें नॉलेज में रखा जाता है। ये लोग पूछते हैं कि कौन सा बच्चा किस कंट्री से बिलोंग रखता है और क्या खाता है, तो ये सब बहुत मायने रखा जाता है यहाँ पे। इस तरह नहीं है कि बाहर के बच्चों को बस आप कुछ खाना दे दें और बच्चे खा ले, नहीं, ये भी ये मायने रखते हैं, बताते हैं। तो आगे भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, जो हम बड़े आते हैं यहाँ पे फॉरनर्स, उसकी जो वीडियो होती है वहाँ पे हम कैसे पढ़ते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।